गाइस आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं स्लाइम का रिव्यू। ये रही स्लाइम, मैंने इसे डब्बे से पहले निकाल लिया क्योंकि ये मेरा तीसरा टेक है ये। और अब आपको मैं इसका रिव्यू देता हूँ। ये ना बिल्कुल ही ना वो चिपड़ी चिपड़ी चिपट जाती है बिल्कुल ना, जैसे स्पाइडर वेब का ना वो होता है वेब, इसे ना ऐसे ऐसे करना पड़ता है अगर आपके हाइट पर। ओ मागू कुछ नहीं हो गाइस, गाइस अगर आपके हाथ पर ना थोड़ी देर ज़्यादा रह लेगी तो ना इसका ना आपके हाथ का कबाड़ा हो जाएगा। गाइस आप देख सकते हो मैं कैसे ऐसे बूम बूम कर रहा हूँ। ओ मागू, तो गाइस मेरे पास ना थोड़ी सी ना चीज़ें हैं इसके ऊपर उनको इसके ऊपर टेस्ट करेंगे। पहले है मेरी मुंदरी, उसको इसके अंदर डाल दे भाई, डल जा इसके अंदर डाल भाई, ये सबको बाउंस करा रही है। पर एक और चीज़ है, हमारे पास एक चेन है और अगर हम इस चेन को इसके ऊपर डालेंगे तो ये बाउंस कर पाएगी या नहीं। पूरी चेन बाउंस, अब नहीं बाउंस हुई, ठालते पूरी ऐसे ही। चेन को दफन कर दिया है हमने, ये कुरली बुरका लग रहा है बिल्कुल। गाइस मैं प्रोफेशनल हो चुका हूँ। गाइस आप देख सकते हो चेन इसके अंदर बिल्कुल धस चुकी है, इसको निकालना कैसे मुझे नहीं पता। तो गाइस मैंने चेन का कबाड़ा कर दिया है, अब हम मेरी मुंदरी का भी कबाड़ा नहीं करेंगे, इसको पर हम आते हैं। पहले देखते हैं चेन को बाहर कैसे निकालना है, उसको पाड़ना पड़ेगा। ओ भाई जैसा चीजी पिज्जा नहीं होता वही है, पर स्लाइम एडिशन है भाई। निकली मम्मा डांटेगी भाई। ओ भाई 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 जो जो बच गई ना उसको मैं वहां फेंक रहा हूँ भाई, मुझे दे दे। गाइस अब इसको ना थोड़ा सा रगड़ना पड़ेगा ताकि ना थोड़ा सा स्लाइम निकल जाए। गाइस ये तो कीड़ा बन चुका है स्लाइम का, मैं बाइक के ऊपर छोड़ दूंगा। अब इसके थोड़े थोड़े टुकड़े, भाई यहाँ पर क्या लग गया है मेरे भाई, मेरे शर्ट के ऊपर वो लगा हुआ है स्लाइम। यस गाइस मैं निकाल लेने वाला हूँ। गाइस फाइनली हमने चेन निकाल दी है, ये होता है इसको। गजब देख सकते हो कैसे मेरे साथ चिपक चुकी है ये, इसलिए कहते हैं स्लाइम को पूरा नहीं बाहर निकालना चाहिए। गाइस मैं पंगे क्यों ले रहा हूँ स्लाइम से, पकड़ा मारो इसको। आज के लिए ऐसा करते हैं, फिर मिलेंगे, गुड बाय।